पूजा बात सुनो मेरी। हाँ छोड़ो मेरा, बस श्याम अब और नहीं। प्लीज पूजा यार समझने की कोशिश करो, हर चीज इतनी आसान नहीं होती। आसान होती नहीं है, आसान बनानी पड़ती है। और अगर नहीं थी तुम्हारी बस की तो तुमने शादी क्यों की मुझसे? पूजा देखो बात को मत बढ़ाओ। बात बढ़ चुकी है, अब मुझे लेने तुम तभी आना जब मेरी कही हुई बात मान जाओगे। पूजा मेरी आवाज सुनो। पूजा आपको भी यही लगता होगा कि मेरी गलती है, पता भी है क्या कह रही थी आपकी बहू? पुराने घर में दिल नहीं लगता, नया फ्लैट लेना है, यही ना? तो आप ही बताओ ना क्या करूं मैं पापा। अरे बेटा तुम नई पीढ़ी के लोगों की ना बस एक ही प्रॉब्लम है, तुम औकात से ज्यादा कभी कभी सपने देख लेते हो, बड़े बड़े वादे करते हो, जब वादे पूरे नहीं होते तो लड़ते हो झगड़ते हो, अच्छी खासी जिंदगी को नरक बना लेते हो। तो उसे भी समझना चाहिए ना पापा। अरे मेहनत कर तो रहा हूं और क्या करूं, पता नहीं कहां पे चूक हो रही है मुझसे। अच्छा सच सच बता, जब बहू नई नई घर में आई थी तो तूने उससे वादा नहीं किया था कि शहर में ट्रांसफर ले लूंगा, नया फ्लैट बनवा लूंगा जिसमें हर सुख सुविधाएं होंगी, वादा किया था कि नहीं? अरे पापा मैं चाहता हूँ कि हम तीनों एक साथ रहें, मैं पूजा और आप। अरे मैं कहाँ रह पाऊंगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे नए जमाने के नए सपने कहाँ एडजस्ट कर पाएगा ये बूढ़ा आदमी। तुमने शादी के बाद बहू को फ्लैट के सपने दिखाए जबकि तुम्हारा फर्ज था कि परिवार की अहमियत के बारे में बता दे, तुमने उसे शहर के सपने दिखाए जबकि तुम्हारा फर्ज था कि तुम कस्बे अपने गांव की अहमियत के बारे में बता दे, उनके साफ वातावरण के बारे में बता दे। और बेटा तुमने फ्लैट में प्लास्टिक के रखे फूलों के रंग दिखाए जबकि तुम्हें आंगन में लगे हुए नीम बरगद और तुलसी के बारे में बताना चाहिए था, उनके फायदे के बारे में बता दे। और एक बात कहूं, अगर अब तक तुम्हारा प्रमोशन हो गया होता ना बेटा तो तुम शहर में कब के शिफ्ट कर गए होते। एक औरत को एक पत्नी को अर्धांगनी का दर्जा ऐसे नहीं मिल जाता, औरत अपने पति का सच में आधा हिस्सा होती है। खैर तुम नहीं समझो। जा रहा हूं पूजा को वापस घर लाने। पति और पत्नी गृहस्थी के दो पहिए हैं, साथ चले तो गति और अलग हुए तो दुर्गति।